रखना पड़ेगा फोन वोन अबे ऐसे नहीं हुए। ये जो टेम्पल है ये लगभग 4000 साल पहले बना था, बहुत ही पहले मतलब। तो क्या हुआ था, जब राम जी ने राम को अग्निबाण चढ़ाया, वो करा चलाया। हेलो एवरीवन, तरुण दिस साइड एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ स्नोली डेज। अगर आपने फर्स्ट टू एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके लिंक्स। और अब बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहाड़ों की सुबह कुछ अलग ही फील होती है, ठंडी ताजी हवा, खुला आसमान और पहाड़। सुबह फ्रेश होकर हम निकल गए विशिष्ट टेम्पल की ओर, जो हमारे होटल से पास ही था। यहाँ हॉट स्प्रिंग है, वहाँ नहाने। कहते हैं यहाँ नहाने से सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डज गिव बेनिफिट्स टू योर स्किन एंड मसल्स। है ऊपर लटकी हुई चड्डी किसकी आई है? कहाँ पे? ऊपर। छी, मुझे क्या पता किसकी है, तेरी है तो? नहीं है भाई। तेरी है भाई, मेरे यहाँ पे घूम रहा है। इसके से कोटा अच्छा नहीं है, देख ले। नहीं है यहाँ पे चिप्स तो। फिर कहाँ है पूछ ले, जो चाहिए तेरे को। मता स्कूल की चीज खरीदूं? हैं स्कूल की चीज? क्या मतलब कि जो इन स्कूल में होमवर्क होमवर्क और पेज फट गई तो चिपकाने वाला ग्लू स्टिक। हां ग्लू स्टिक चाहिए तेरे को? बड़ा अच्छा फेवी स्टिक, एक फेवी स्टिक दे देना इसे। चलो ले ले, चल बाय। यहाँ एक राम जी का मंदिर भी है जो बहुत ही पुराना है, और आज यहाँ कोई फेस्टिवल है तो प्रिपरेशंस चल रही हैं। दिव्या हमें बताएगी विशिष्ट टेम्पल के हॉट स्प्रिंग के बारे में और टेम्पल के बारे में। जो ये विशिष्ट टेम्पल है, रखना पड़ेगा फोन वोन। अबे ऐसे नहीं होए, फोन वोन रखना पड़ेगा तेरे को, पहले कहानी सुन ले। अरे नहीं नहीं सुन ले, एटिकेट सम शो सम एटिकेट। तो ये जो टेम्पल है ये लगभग 4000 साल पहले बना था, बहुत ही पहले मतलब। तो क्या हुआ था, जब राम जी ने रावण को मारा था तो उनको वो मारकर वापस आए थे, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया, तो वो उसको हटाना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अश्वमेध यज्ञ रखेंगे। वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है, मतलब बहुत 100 यज्ञ के बराबर होता है यज्ञ, ऐसा कुछ होता है वो। तो वो रखेंगे, तो उसके लिए उनको उसी लेवल के अच्छे अच्छे ऋषि भी चाहिए थे। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा इस वाले एरिया में ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ रहते थे, जो बिल्कुल ठंड में बहुत ही बहुत तप करते रहते थे, पूरी तपस्या में रहते थे। फिर वो लक्ष्मण जी आए वहाँ पर, तो उनको वो मिल गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि थोड़ा नहाएंगे, रिलैक्स करेंगे इस, और बहुत ठंड का मौसम था यहाँ पर, तो उन्होंने अपना अग्निबाण चलाया उसमें जमीन में, और ये वाला जो हमारा हॉट स्प्रिंग है ये वहाँ से बाहर आया। तो उन्होंने सोचा मैं देख लूंगा, ये वो उसकी तरह करते, कौन करते, चलिए शुरू करते हैं वो। तो फिर क्योंकि वो तो तपस्या करते थे, उनको गर्म पानी की और इस सब चीजों की रिक्वायरमेंट कोई नहीं थी, तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप यहाँ पर नहाओ लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर नहाए, तब उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपके साथ साथ अब आज के बाद जो भी यहाँ पर आकर नहाएगा, उसके जितने भी थकान हो, कितने भी उसकी बॉडी प्रॉब्लम, मतलब बॉडी एक हो और ऐसी वाली जितनी चीज़ें हो, थकान हो, सब तभी के तभी दूर हो जाएगा, और साथ ही साथ मतलब बहुत सारी अंदर की जो हमारी डिजीजेज होती हैं स्किन की, वो भी हील हो जाएंगी। तब से यहाँ पर लोग आकर नहाते हैं।
समाप्त। चलो हम दिखाते हैं अपने सिद्धू के फैन को। सिद्धू का फैन नाम है सिद्धू पेपा पे। मूसे वाले से तो मिल नहीं पाया इसलिए साले से इतना पसंद आ गया तेरे को। चटनी है से अच्छा लग रहा है, मिर्च वाली चटनी है और बहुत ही ज्यादा तीखी है। बहुत ही हेल्दी से लग रही है पर वो बढ़िया भी लग रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी सी और ले लें। ना दर्द में घुस रहा है भाई, तो बहुत ही ज्यादा है। तो खाने की चीज़ है ये अच्छी है कि मैदा से बिना ये अगर कम घी कभी हम बना सकते होंगे तो ये तो कह रहे थे डलवाया नहीं था, हमने यहाँ पे कहा नहीं चाउमिन खा लो। चाउमिन तो भी बोल हेलो फ्रेंड्स चाउमिन खा लो। हेलो फ्रेंड्स चाउमिन खा लो। मजा नहीं आया थोड़ी बढ़िया तरीके से बोल हेलो फ्रेंड्स चाउमिन खा लो। ये ठीक है अब ये वायरल हो गया अजीब है। कहाँ से आए बता दे कहाँ से आए तू। नहीं मैं शर्मिंदा करूँगी अपनी स्टेट को ऐसे स्टेट से है मेरी यूटी चाय चाय बोली थी तो सिद्धू और नूडल्स खाने के बाद हम गए हडिंबा टेंपल और यहाँ बहुत ही भीड़ थी, मतलब आप ये लाइन देखो। फिर हम अंदर तो नहीं गए, बच्चे भी साथ लाए हैं। चल अब इससे कॉटन कैंडी नहीं खुलता। अरे वो देख तू धागा सा बन किया हुआ है। तरुण कॉटन कैंडी खाएगा क्या? हाँ। ये वाला फ्लेवर सबसे सही लगता है। दिल तो बच्चा है। तन कैंडी का हथियारा हिडिंबा के पास पकड़ा गया। ऐसे ही बाहर घूमने के बाद वन विहार गए। वहाँ ये द वैम्पायर डायरीज का जंगल देखने के बाद हम वापस अपने घर की ओर निकल गए। ये एपिसोड और हमारी मनाली की ट्रिप यहीं एंड होती है। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताओ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।